नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आईपीएल 2022 में आरसीबी को पंजाब किंग्स के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार से जहां एक और आरसीबी के लिए प्लेऑफ में जाने की राह और ज़्यादा कठिन हो गई है, वहीं पंजाब किंग्स की इस जीत के साथ ही प्लेऑफ की रेस जो है बनी हुई है। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 209 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था और आरसीबी के सामने जीत के लिए 210 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन आरसीबी की टीम 20 ओवरों में 9 विकेट पर ही 155 रन ही बना सकी और मैच में 54 रन से हार गई। अब दोस्तों, इस जीत के बाद जो है आरसीबी की टीम पॉइंट्स टेबल में फिलहाल अभी भी चौथे स्थान पर ही बनी हुई है। क्या सिनेरियो बन रहे हैं, यानी कि वो प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकते हैं, प्लेऑफ में जाने के लिए उनका आखिरी रास्ता कौन सा है, इसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हूँ, सारी बातचीत करेंगे। तो भाइयों, अगर आप भी चाहते हो कि आरसीबी टीम जो है अभी भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही डेली अपडेट्स आप तक हमेशा पहुंचती रहे। ओनली आरसीबी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर उसे ज्वाइन नहीं किए हो तो याद से ज्वाइन कर लो। वहां भी आपको आरसीबी टीम से जुड़ी और क्रिकेट की हर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लगातार मिलती रहती है। तो भाइयों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाइए वहां पर उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्रिकेट नॉलेज का सही इस्तेमाल करके विंजो फैंटेसी पे पैसे जीतने हैं तो इस आईपीएल विंजो फैंटेसी पे बनाओ अपनी टीम और जीतो ढेर सारे लाखों कैश रिवॉर्ड्स। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, विंजो ऐप को डाउनलोड करो और फैंटेसी लीग पे जाकर बनाओ अपनी टीम। डर है टीम में चेंजेस का, कौन है इन कौन है आउट, लास्ट मिनट प्लेयर इंजरीज, ग्राउंड पिच कंडीशंस में चेंज, ऐसे 50 तरीके के टेंशंस का, तो विंजो फैंटेसी वॉर पे सपोर्ट करो हमारे एक्सपर्ट्स की टीम से और जीतो कैश रिवॉर्ड्स। इसमें जीतने के चांसेस भी 50% है। बिंदास एक्सपर्ट सेलेक्ट करो और मैच देखो बिना टेंशन के। आप एक्सपर्ट की टीम जीतती है तो आप भी जीतोगे। मैच के बाद अपनी विनिंग्स जो है विड्रॉ करो सीधा पेटीएम बैंक अकाउंट या फिर UPI से। डाउनलोड करो विंजो मेरे लिंक से और दोस्तों पाओ 50 RS का बोनस कैश। दोस्तों, इस मैच में पंजाब के खिलाफ पहले गेंदबाजों की गेंदबाजी अच्छी नहीं हुई, खासकर जॉश हेजलवुड इस मैच में बेहद ही महंगे साबित हुए। हेजलवुड ने 4 ओवर किए अपने स्पेल में, 60 से अधिक रन लुटाए, मेरे ख्याल में 63 या फिर 64 रन दिए, जिसके चलते आरसीबी टीम जो है अच्छा स्टार्ट नहीं कर पाई, क्योंकि हमने देखा कि हेजलवुड ने हर एक मैचों में टीम को अच्छा स्टार्ट दिलाया है और स्टार्टिंग में ही झटके दिए हैं सामने वाली टीम को। इस मैच में आरसीबी की टीम ऐसा नहीं कर पाई, जिसकी वजह से जॉनी ब्रेस्टो ने अच्छी पारी खेली, इसके बाद लिविंगस्टन ने अच्छा फिनिशिंग टच दिया, उन्होंने 70 रन बनाए, जिसके चलते आरसीबी के सामने 210 रनों का विशाल लक्ष्य रखा गया। इसके बाद बल्लेबाजी आरसीबी टीम की फ्लॉप साबित हुई। मैक्सवेल ने इस मैच में सबसे ज़्यादा 35 रन की पारी खेली, इसके अलावा कोहली ने 20, डुप्लेसी ने 10, पटीदार ने 26, कार्तिक हर्षल पटेल ने 11 रनों की पारी खेली, वहीं शाहबाज अहमद और सिराज ने 9 रन बनाए। इससे पहले गेंदबाजी करते हुए हर्षल पटेल ने आरसीबी के लिए 4 विकेट हासिल किए थे, हसरंगा ने 2 विकेट लिए थे, शाहबाज अहमद मैक्सवेल भी 1-1 विकेट लेने में कामयाब रहे थे। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि आखिरकार आरसीबी टीम का प्लेऑफ सिनेरियो क्या होने वाला है, वो कैसे अभी भी प्लेऑफ में जा सकते हैं। तो भाइयों, यहाँ पर आरसीबी ने फिलहाल 13 मैचेस खेल लिए हैं, तो जाहिर सी बात है एक ही मुकाबला बचा हुआ है, वो एक मैच खेलने वाले हैं। लास्ट मैच उनका होगा गुजरात टाइटंस के खिलाफ, जो कि टेबल टॉपर्स भी हैं, तो उनको हराना आसान नहीं होगा। अब दोस्तों, इस मैच को आरसीबी टीम को हर हाल में जीत कर 16 अंकों तक पहले पहुँचना पड़ेगा और ट्राई ये करना पड़ेगा कि इस मैच को कुछ अच्छे आंकड़ों से जीता जाए, ताकि उनका नेट रन रेट भी अच्छा हो जाए। यही नहीं, इसके अलावा इनको जो है बाकी टीमों के नतीजों पर भी डिपेंड रहना होगा, यानी कि दोस्तों कैलकुलेटर का टाइम आ गया है आरसीबी टीम मैनेजमेंट के लिए। अब कैलसी जो है इस्तेमाल करनी पड़ेगी उन्हें, क्योंकि आरसीबी ऐसी सिचुएशन में आ चुकी है जहां पर उन्हें आखिरी मैच तो जीतना ही है, इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हैदराबाद जैसी टीमों के नतीजों पर भी उनको डिपेंड रहना पड़ेगा। सिनेरियो यही है कि अगला मुकाबला हर हाल में जीतना है, पहले 16 अंकों तक पहुंचना है, इसके बाद जो है हैदराबाद अपने 3 में से 1 मैच हारनी चाहिए। वहीं दोस्तों DC और पंजाब जो है, इसके अलावा हैदराबाद, तीनों ही टीमें 14-14 अंकों पर रहेंगी, तो शायद से आरसीबी टीम क्वालिफाई कर जाए। इसके अलावा पंजाब भी जो है बचे हुए मैचेस में एक मैच तो हर हाल में हारनी चाहिए,
तभी आरसीबी टीम को फायदा होगा। अब दोस्तों आरसीबी टीम के रन रेट की बात करें तो यहाँ पर उनका रन रेट जो है -0.2120 पर पहुँच चुका है, जो कि बेहद ही खराब रहा है। तो ऐसे में उन्हें इसको भी ठीक करने के लिए गुजरात के खिलाफ अच्छे आंकड़े से जीतना पड़ेगा। तो यही सारे सिनेरियो बन रहे हैं आरसीबी टीम के प्लेऑफ में जाने के लिए। आपको क्या लगता है आरसीबी कैसे जा सकती है प्लेऑफ, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।